शुभम जांगिड, आप देख रहे हैं शुभम क्लासेस। और इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप से हम रैंक बनाते रैंक निकाल सकते हैं। देखिए, इस मार्कशीट में मैंने सब कुछ निकाल रखा है, अभी तक हमने रैंक नहीं निकाल रखी। और रैंक के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, RANK रैंक। चलिए अब इसको निकालना कैसा है मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, रैंक में सबसे पहले मेरे को वैल्यू लेनी है। अब इसमें दे रखा है नंबर, रेफरेंस एंड ऑर्डर। तो नंबर, ये नंबर हो गया मेरा। अब इसमें ऑर्डर, जो हमारे को ऑर्डर जो चाहिए रेफरेंस से, उसको ऑर्डर चाहिए हमें पूरे रेफरेंस से, यानी कि सीक्वेंस में। चलिए ठीक है, ये करके आपको कोमा लगा देना है यहाँ पे, ध्यान रखिए नंबर। और फिर आपको सिलेक्ट करना है रेफरेंस। तो ये मेरा रेफरेंस हो गया, बस यही फॉर्मूला है। एंड अब इसको एंटर कर देना, जो ये रैंक 9 आ रही है। लेकिन अब इसको यहाँ पर लॉक करना है आपको, किससे, इसको दोनों को सिलेक्ट कीजिए और F4 दबाइए। हाँ, अभी ना है। अब आपको इसको पूरे को अप्लाई करना है ड्रैग करके। तो देखिए, अब नंबर वन रैंक शुभम की आ रही थी, और सही है बात है, क्योंकि 92.25% जिसने बनाई है उसकी नंबर वन आएगी। फिर टू यहाँ पे 74.25 रिक्की, फिर जस्ट नीचे 3 मिक्की, देन 4 किया। तो इस टाइप से ये हमको पूरी रैंक मिल गई है। और अगर हम ऐसे रैंक निकाल लिया तो हमको कितना टाइम लगता, सिर्फ छोटे से फॉर्मूले से हमने रैंक निकाल लिया एक्सेल के अंदर। तो मैंने आपको रैंक निकालना भी सिखा दिया है। अगली वीडियो में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए शुभम क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्यूरीज है, तो आप इस चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और अगर आप इस चैनल की नई वीडियो से अवेयर रहना चाहते हो, प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर ही, मेरा फेसबुक पेज की लिंक है www.facebook.com/शुभमजांगिड05, और मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो @शुभमजांगिड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए शुभम जांगिड क्लासेस।